कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार एट द रेट इन्फो के एक और नए वीडियो में। तो भाई आज जिस गाड़ी का वीडियो होने वाला है वो है टाटा की नेक्सॉन का क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट जो डार्क एडिशन में। तो इस वीडियो में हम इस गाड़ी की कंप्लीट डिटेल्स में बात करेंगे, जैसे इस गाड़ी में आपको कितने फीचर्स मिलने वाले हैं, किस प्राइस रेंज में होने वाली है, साथ में आपको कितने सीसी का इंजन मिल जाता है और आपको इस इंजन की कितनी सर्विस फ्री होने वाली है, और कहना चाहिए कि कब कब आपको ऑयल चेंज कराना है और कितनी वारंटी मिलने वाली है। ये सारी चीज़ें डिटेल्स में होने वाली है। तो प्लीज़ आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देख के लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जैसे हम इस गाड़ी की अगर फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको वाइट DRLs का ऑप्शन मिल जाता है, साथ में DRLs में ही आपको टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है जो डुअल सिक्वेंस में काम करता है। भाई प्रॉपर डार्क एडिशन की जो थीम है इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा सूट करती, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक मिल जाता है इसका और काफ़ी बोल्ड लुक मिलता है। जैसे यहाँ पे अपर ग्रिल्स आपको ब्लैक कलर्स, पियानो ब्लैक कलर्स में, साथ में टाटा का लोगो भी आपको 2D में ब्लैक कलर्स में मिल जाता है। हेडलैम्प्स की बात करें तो प्रोजेक्टर वाइट हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। फोगलैम्प का ऑप्शन इस वेरिएंट में मिलता नहीं। और यहाँ पे हम बात करें इसके लोअर ग्रिल्स की तो मैट ब्लैक कलर्स में मिल जाती है। फ्रंट में आपको दो पार्किंग सेंसर्स, एक आपको 360 कैमरे का ऑप्शन सेंटर में मिल जाता है। अब बात करें हम इस गाड़ी के विर्थ की तो भाई इसमें आपको जो विर्थ मिलती है 1804 mm की मिल जाती है। और हम बात करें इसके डायमेंशन की कंप्लीट तो जैसे हम इसकी लेंथ को देखें तो 3995 mm की इसमें आपको लेंथ मिलने वाली है और 2498 mm का व्हील बेस मिल जाता है। साइड प्रोफाइल में जैसे हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको फेंडर डोर और कहना चाहिए कि पूरा लोअर वाला जो सेक्शन है यहाँ पर आपको ब्लैक क्लाइडिंग्स मिल जाती है जो गाड़ी के लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करते हैं। यहाँ पर फेंडर में आपको डार्क एडिशन की बैचिंग मिल जाती है। साथ में इसके अगर हम टायर्स की बात करें तो रेडियल ट्यूबलेस टायर होने वाले हैं इस गाड़ी में। फ्रंट ब्रेक आपको डिस्क में मिल जाते हैं और रियर ब्रेक आपको कहना चाहिए ड्रम ब्रेक को ब्रेक शू के साथ मिलने वाले हैं। अलॉय व्हील्स डायमंड कट्स में मिल जाते हैं। और टायर साइज की अगर हम बात करें तो 215/60/16 के इसमें आपको टायर होने वाले हैं। मिरर्स की बात करें तो भाई मिरर्स आपको ऑटो फोल्डेबल मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मिरर्स में टर्न इंडिकेटर LED में मिल जाते हैं, कैमरे का ऑप्शन इसमें मिल जाता है और पियानो फिनिश में आपको इसकी मिरर कैप मिल जाती है। ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा मिल जाता है और साइड एरिया यहाँ पे देखेंगे आप प्रॉपर ब्लैक मिलता है। भाई काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और अट्रैक्टिव लुक मिलता है साइड में भी। यहाँ पे जो यहाँ देखेंगे हम इसकी रूफ रेल्स को, ये भी ब्लैक कलर्स में मिल जाती है। जैसे अगर अदर वेरिएंट की बात करें इसमें अगर जिसका कलर चेंज हो जाता है तो उसमें यहाँ पे देखेंगे दूसरी नेक्सॉन में अगर हम देखते हैं तो इसमें आपको जो कहना चाहिए कि रूफ रेल है आपको ग्रे कलर्स में मिल जाती है। इस वेरियंट्स में लेकिन आपको यहाँ पर ब्लैक कलर्स में मिलने वाली है। फ्यूल फिल करने के लिए यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड के क्वार्टर पैनल में यहाँ पे आपको फ्यूल फ्लैप का ऑप्शन मिल जाता है। 44 लीटर का आपको इसमें फ्यूल टैंक मिल जाता है, डीजल हो या पेट्रोल हो। डोर हैंडल बॉडी कलर्स में मिल जाते हैं। साथ में अगर हम रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे कनेक्टिंग एक्सपेक्टर टेल लैंप्स मिल जाते हैं जो आपको LED सेंटर में एक मिलती है जिससे कनेक्ट हो जाते हैं। दोनों ही LED में मिलने वाले हैं। टेल लैंप्स में इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है। बम्फर में आपको रिवर्स लैंप और फॉग लैंप का ऑप्शन मिल जाता है। साथ में बूट में टाटा का लोगो, लोगो के नीचे आपको एक रिवर्स कैमरा, नेक्सॉन की बैचिंग। ग्लास में आपको यहाँ पे कहना चाहिए डिफॉगर का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपको हिडन रियर वाइपर का ऑप्शन मिल जाता है। शार्क फिन एंटीना का ऑप्शन मिल जाता है। रियर बम्पर में यहाँ पे देखेंगे स्किड जो प्लेट है आपको जो नीचे में मिलती है वो भी आपको पियानो फिनिश में मिल जाती है। नंबर प्लेट लाइट वाइट LED में, दो पार्किंग सेंसर का ऑप्शन मिल जाता है। और अब बात करें हम बूट के अंदर की तो भाई यहाँ से आपको बूट ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट सेंसर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको प्रेस करना है जिससे बूट ओपन हो जाएगा। पार्सल ट्रे का ऑप्शन मिल जाता है। और बूट स्पेस की बात करें हम तो इसमें आपको जो बूट स्पेस मिलता है 382 लीटर का मिल जाता है। बूट ओपनिंग लैंप का ऑप्शन मिल जाता है। स्पेयर व्हील की बात करें तो नॉर्मल स्टील रिम में आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है, जिसमें अगर हम टायर साइज़ की बात करते हैं तो भाई इसमें आपको जो मिलने वाला है टायर साइज 195/60/16 का मिलता है। अब बात करते हैं भाई इसके इंटीरियर की तो चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं यहाँ पे आपको क्या कुछ मिलता है। काफ़ी बड़ा सा स्पाइलर मिल जाता है, मैट ब्लैक कलर का कुछ एरिया मिल जाता है और पियानो फिनिश में कुछ एरिया मिल जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे ब्रेक लैंप की बात करें हाई माउंट तो भाई आपको स्पॉयलर या बूट में ऊपर में देखने नहीं मिलता, ये जस्ट आपको यहाँ पर टाटा के लोगों के ऊपर में मिलता है। इंटीरियर की अगर हम बात करें तो यहाँ से आप डोर ओपन करेंगे जैसे इस गाड़ी के तो रियर की पहले बात करते हैं हम तो रियर में आपको यहाँ पर जैसे डोर ओपन करते हैं तो
डोर पेट को अगर हम देखें तो ये आपको प्रॉपर ब्लैक कलर्स में मिल जाते हैं, लेकिन ग्रेफ हैंडल आपको पियानो फिनिश में, एक पावर विंडो ऑपरेशन बटन, ये जो इनर लॉक हैंडल है ये भी आपको पियानो फिनिश में मिल जाता है, बॉटल होल्डर, स्पीकर की ग्रिल्स मिल जाती है। साथ में अगर सीट की बात करें तो पाँचों सीट रिमाइंडर का ऑप्शन मिल जाता है, बेल्ट का रिमाइंडर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर रियर सीट में आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं, और इस ब्लैक वेरियंट में, डार्क एडिशन वेरियंट में भाई नेक्सोन के आपको जो सीट्स मिलने वाली है वो लेदर में मिलने वाली, इसमें आपको फैब्रिक सीट्स का ऑप्शन नहीं मिलता, आपको इसमें लेदर सीट्स मिलती है। और सीट्स का साइज देखेंगे काफ़ी बड़ा मिलता है, फ्लैट सीट्स मिलती है, और तीन लोग इजीली इसमें आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। जैसे हम बैठ के देखें इसके स्पेस को देखें तो भाई काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, काफ़ी अच्छा थाई सपोर्ट्स मिल जाता है, रियर एसी वेंट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो सीलिंग्स है ये भी आपको प्रॉपर ब्लैक कलर्स में मिल जाती है। रियर से देखने में भाई कुछ इस टाइप से इसका इंटीरियर दिखने वाला है, प्रॉपर ब्लैक थीम है भाई, गाड़ी आउटर और इनर साइड से प्रॉपर ब्लैक कलर्स में मिलने वाली है। अब चलते हैं फ्रंट में और देखते हैं और आपको क्या कुछ मिलता है। फ्रंट में देखें तो इसके फ्रंट राइट डोर हैंडल में यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर, मैनुअल लॉक अनलॉक करने के लिए लॉक स्विच का ऑप्शन, जैसे ही डोर पेड ओपन करें, डोर ओपन करेंगे हम तो डोर पेड को देखेंगे, ये भी आपको ब्लैक कलर्स में मिल जाता है। प्रॉपर ग्रेफ हैंडल आपको पियानो फिनिश में मिल जाता है, अम्ब्रेला होल्डर का ऑप्शन मिलने वाला है, साथ में बॉटल होल्डर, स्पीकर की ग्रिल्स, पेडल लैंप्स फ्रंट टू डोर में मिलने वाले हैं आपको दोनों साइड में। अब बात करें यहाँ पे देखेंगे हम तो इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के लिए रियर व्यू मिरर ग्लास को यहाँ पे इलेक्ट्रिकली स्विच का ऑप्शन मिल जाता है। सीट्स की बात करें हम तो राइट साइड की सीट्स में आपको हाइट एडजस्टेबल लीवर का ऑप्शन, लेदर फिनिश में आपको इसकी सीट, लेदर कवर के साथ इसकी सीट्स मिल जाती है। हेडरेस्ट आपको चारों सीट के एडजस्टेबल मिलने वाले हैं, आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। स्टीयरिंग की बात करें हम तो यहाँ पे ये आपको सॉफ्ट टच में मिल जाती है, ब्लैक कलर का एसेंस मिल जाता है, ये आपको जो सेंटर वाला कंसोल है पियानो फिनिश में मिल जाता है। साथ में इसके एडजस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको यहाँ से टिल्ड का ऑप्शन मिलने वाला है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन इस वेरिएंट में नहीं मिलता। करते हैं भाई गाड़ी के की तो की देखेंगे हम तो दोनों ही की आपको स्मार्ट रिमोट की मिल जाती है, दोनों की में आपको लॉक अनलॉक, फॉलो मी हेडलैम्प्स, बूट ओपनिंग बटन्स का ऑप्शन मिल जाता है। देखते हैं गाड़ी का इग्निशन ऑन, तो यहां से आपको बटन प्रेस करना है, जस्ट वाइपर यहां स्विच है उसके नीचे में आपको यहां पे स्टार्ट स्टॉप बटन का ऑप्शन मिल जाता है, जिसे प्रेस करेंगे आप तो गाड़ी का इग्निशन ऑन हो जाएगा। कुछ इस टाइप से भाई इसमें पूरा एल्यूमिनेटेड लोगोस आ जाएंगे, डिस्प्ले देखेंगे आप, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो वो भी आपको फुली डिजिटल मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम आपको इस गाड़ी का लुक मिलने वाला है भाई। स्टेयरिंग्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको स्टेयरिंग माउंट कंट्रोल्स के बटन्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको कॉल पिक करने के लिए, कॉल कट करने के लिए, वॉइस कमांड के लिए, साथ में यहाँ पे आपको जो सेंटर कंसोल है यहाँ पे आपको एलुमिनेटेड टाटा का लोगो मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा, डिस्प्ले की सेटिंग्स मिल जाएगी। क्लस्टर मीटर को हम देखें तो भाई ये आपको फुली डिजिटल मिल जाता है, यहाँ पे आपको आरपीएम मीटर्स मिल जाता है, यहाँ पे आपको ये वाले इसको देखेंगे एच और सी वाले को तो ये आपको भाई टेम्परेचर मीटर है, नीचे में फ्यूल इंडिकेशन है, और ये एमआईडी की स्क्रीन, इससे आप सारी चीज़ें, ट्रिप, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। देन अब बात करें हम यहाँ तो यहाँ पे आपको ऑटो हेडलैम्प्स, ये सारी चीज़ें मिलने वाली है, हेडलैम्प्स के कंट्रोल का स्विच है ये, यहाँ पे आपको वाइपर का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें भी आपको ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन मिलने वाला है। क्लस्टर मीटर के बाद अगर म्यूजिक प्लेयर की बात करें तो हार्मन का म्यूजिक प्लेयर मिल जाता है, इसमें आपको एंड्रॉयड, एप्पल कार प्ले सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं। रिवर्स कैमरे के लिए अगर हम रिवर्स गियर लगाते हैं तो भाई आप देखेंगे काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का इसमें आपको कैमरे क्वालिटी मिलने वाली विद डायनेमिक गाइडलाइन, साथ में यहाँ पे आपको 2D और 3D में इसका कैमरे का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे अगर हम 3D में डालेंगे तो देखेंगे काफ़ी प्रीमियम आपको इसका फील होने वाला है। इसमें आपको 360 कैमरे का भी ऑप्शन मिल जाता है। नीचे में अगर हम देखें तो AC कंसोल में भाई ये आपको फुल्ली डिजिटल टच में मिलने वाला है, टच बटन का ऑप्शन है, ये फैन स्पीड के लिए हो गया, ये टेम्परेचर के लिए, यहाँ से आप डायरेक्ट 360 कैमरा ऑन कर सकते हैं, इस बटन को दबाएंगे तो लॉक बटन, बूट ओपन करने के लिए प्रेस करेंगे, यहाँ पे बटन को टच करेंगे तो बूट ओपन हो जाएगा, हेजार्ड लाइट, साथ में AC मोड्स का ऑप्शन मिल जाएगा। चार्जर की बात करें हम तो चार्जिंग ऑप्शन अगर हम देखें तो भाई 3 टाइप के चार्जिंग ऑप्शन, 12 वोल्ट का मिल जाएगा, सी टाइप का, USB पोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। गियर्स की बात करें तो 6 फॉरवर्ड, 1 रिवर्स गियर का ऑप्शन मिल जाता है, 3 टाइप के ड्राइव मोड्स मिल जाएंगे, कुछ स्पेस मिल जाएगा, यूटिलिटी बॉटल होल्डर का ऑप्शन, हैंड ब्रेक का ऑप्शन मिल जाएगा, और प्रॉपर इसमें आपको भाई ब्लैक कलर का इंटीरियर मिलने वाला है, सीट, सीलिंग, सारी चीज़ें आपको ब्लैक मिलने वाली। इवन यहाँ पे आप देखेंगे ये जो यहाँ पे आपको ये कंसोल मिल रहा है, पैनल मिल रहा है,
होता है ये भी आपको ब्लैक में मिल जाता है। यहाँ पे ये जो ऑटो डिमिंग है सेंटर ORBM मिल जाता है, साथ में यहाँ सीलिंग लाइट की बात करें तो ये आपको व्हाइट लाइट में मिलने वाली है, लेकिन इसके आपको ग्लास को देखेंगे ये भी आपको कार्बन फिनिश में लगने वाला है। यहाँ से आप सनरूफ ओपन क्लोज कर सकते हैं इस बटन से, ये आपको सनरूफ कमांड के लिए बटन्स मिल जाती है। यहाँ पे आपको पैसेंजर एयरबैग के इंडिकेशन मिल जाते हैं। सनवाइजर भी इवन आपको ब्लैक कलर्स में मिलने वाले, लेफ्ट साइड में ग्लास मिल जाता है, राइट साइड में आपको कार्ड होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है। डैशबोर्ड में आपको ये प्रीमियम सा टेक्सचर मिल जाता है, साथ में ये आपको सिल्वर फिनिश में आपको एक स्ट्रिप्स मिल जाती है जो इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा डैशबोर्ड के इनहांस करती है। देन यहाँ से आप बटन प्रेस करेंगे तो भाई इसका ग्लो बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें ग्लो बॉक्स ओपनिंग लैंप का ऑप्शन नहीं मिलता, काफ़ी डीप स्टोरेज में बड़े साइज में इसका ग्लो बॉक्स मिलने वाला है। अब बात करें हम इस गाड़ी के सेफ्टी की तो भाई इसमें आपको 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है, साथ में 6 एयरबैग का ऑप्शन मिल जाता है। स्टैंडर्ड हो गए आपको बेस से लेकर टॉप तक 6 एयरबैग मिलने वाले हैं इस गाड़ी में टाटा नेक्सॉन में। ब्रेकिंग में ABS, EBD, ट्रैक्शन, हील असिस्ट, हील डिसेंट, ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। देन हम बात करें इसमें आपको वॉइस कमांड का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए इस बटन को अगर हम प्रेस करते हैं तो देखेंगे हम जैसे बटन प्रेस करेंगे से अ कमांड प्लीज ओपन सनरूफ, आप देखेंगे काफ़ी अच्छा रिस्पांस करता है, अभी सनरूफ ओपन हो गया। देन इसके बाद हम फिर से रिसेंट दबाएंगे इसको और प्लीज क्लोज सनरूफ आप देखेंगे काफ़ी अच्छा वर्क करता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें आने आपको क्विक रिस्पांस मिलता है। जैसे ही वॉइस कमांड की बटन आप प्रेस करेंगे जो भी कमांड देंगे आपकी गाड़ी उस पर रिस्पांस करेगी। अब चलते हैं बाहर, दो चीज़ें बच गई हैं, एक इसके प्राइस के बारे में जानना और दूसरा भाई इंजन के बारे में। पहली चीज़ कि हम जिस गाड़ी का वीडियो बना रहे हैं वो किस इंजन के साथ में, ये भी मेन है। तो आप पहले ओपन करते हैं इस गाड़ी के बोनेट को, तो भाई यहाँ से आप नीचे में आप देखेंगे यहाँ पे आपको बोनेट ओपन करने के लिए एक लीवर मिल जाता है जिसे आप खींचेंगे तो गाड़ी का बोनेट ओपन हो जाएगा। तो भाई कुछ इस टाइप से इसका इंजन सेटअप मिल जाता है, ये आपको डीजल इंजन के साथ में है, डार्क एडिशन आपको जो ये मॉडल है टाटा नेक्सॉन क्रिएटिव प्लस एस डार्क एडिशन, ये आपको डीजल इंजन के साथ में है। तो यहाँ पे कुछ डीजल इंजन का इस टाइप से इसमें आपको सेटअप मिलता है, ये आपको 1.5 लीटर में टर्बो चार्ज 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिल जाता है। इस इंजन के बारे में भाई काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में मैं आपको जानकारी दूंगा, जैसे कि इसमें आपको कितनी सर्विस मिलने वाली है। तो पहली बात करते हैं सर्विस की, इसमें आपको 3 फ्री सर्विस मिल जाती है, फर्स्ट सर्विस 2002 मंथ, सेकंड सर्विस 7006 मंथ, और थर्ड सर्विस 1 ईयर या 15,000 किलोमीटर में मिलती है, जिसमें गाड़ी के ऑयल फिल्टर ये सारी चीज़ें रिप्लेस करनी। इस गाड़ी का जो ऑयल चेंज का ड्यूरेशन 1 साल या 15,000 किलोमीटर का, जहां आप दूसरी कंपनियों की डीजल गाड़ियों को देखेंगे उसमें जो ऑयल चेंज का ड्यूरेशन है 10,000 या 6 मंथ का मिलता है, वहां पे आपको ये आपको 5,000 किलोमीटर ज़्यादा और 6 मंथ का ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन देती है। साथ में इस डीजल इंजन में एक अच्छी चीज़ ये है कि BS6 फेज 2 होने के बाद भी इसमें आपको AdBlue यूरिया डालने का ऑप्शन नहीं मिलता, आप ओनली डीजल में इसको चलाएंगे, इसमें यूरिया का आपको जो एक्सपेंस लगने वाला है वो नहीं लगता। यानी आप कहीं ना कहीं इस गाड़ी को लेते हैं डीजल इंजन के साथ तो आपकी सेविंग्स बढ़ जाती है, क्योंकि आप दूसरी कंपनियों में 1.5 लीटर का डीजल इंजन लेते हैं तो वहां पे आपको कंपलसरी है कि भाई यूरिया डाल के ही उस गाड़ी को चलाना है, विदाउट यूरिया वो चलने वाली नहीं है, AdBlue डाले चलना ना पड़ता है। तो अब बात करें इस गाड़ी की वारंटी की, तो भाई 3 ईयर 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है, 2 साल के लिए एडिशनल आप वारंटी का प्लान ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा सेफेस्ट कार है, यहाँ पे आपको इंसुलेशन कवर मिल जाता है, केबिन में इसका नॉइस नहीं मिलता। अब गाड़ी को भाई मैं एक बार स्टार्ट करके बताता हूँ, अंदर भी दिखाता हूँ केबिन में नॉइस है या नहीं, और बाहर में भी देखेंगे हम कि आवाज़ कितना मिलता है। तो गाड़ी के अंदर चलते हैं और गाड़ी को हम करते हैं स्टार्ट, क्योंकि बहुत से लोगों का कंसर्न है भाई कि टाटा की गाड़ियों में नॉइज़ ज़्यादा है, ट्रक टाइप के इंजन है, केबिन में नॉइस है, वाइब्रेशन है, ये सारी चीज़ें भाई अब टाटा ने काफ़ी ज़्यादा अपने इंजनों पर वर्क करके ख़त्म कर दिए। जैसे ही हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे अभी भाई फर्स्ट टाइम इंजन स्टार्ट किए हैं इस गाड़ी का हमने, कल से बंद गाड़ी थी, आज मैं शोरूम में आके अभी स्टार्ट कर रहा हूँ अपने हाथों से। उसके बाद आप देखेंगे वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, केबिन में नॉइस नहीं है, काफ़ी साइलेंट इंजन है। अब चलते हैं भाई गाड़ी के बाहर और देखते हैं इंजन में वाइब्रेशन में, गाड़ी को रहने देते हैं हम चालू। तो भाई गाड़ी का इंजन स्टार्ट है और देखिए आप वाइब्रेशन लेवल, 1.5 लीटर का डीजल इंजन कितना ज़्यादा साइलेंट है, एक भी वाइब्रेशन आपको इसमें नहीं मिलता। ARI के अगर एवरेज की बात करें इस इंजन में जो कंपनी क्लेम करती है, ARI क्लेम करती है वो है भाई 20 से 23 किलोमीटर पर लीटर का
एवरेज, यानी आपको पावर के साथ साथ एवरेज भी मिलने वाला है, साथ में आपकी सेविंग्स भी बढ़ जाती है क्योंकि इसमें आपको यूरिया एड ब्लू डालना नहीं है, नॉर्मल डीजल डाल के आपको इसको चलाना है। ये BS6 फेज 2 के सारे नॉर्म्स को फॉलो करता है। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर, इसके इंजन को करते हैं बंद। तो आपने अभी इंजन के बारे में सारी चीज़ें डिटेल्स में जान ली, अब बात करते हैं गाड़ी के प्राइस की। तो भाई एक शोरूम प्राइस ये आपको 14,05,000 के एक शोरूम प्राइस में मिलने वाली है, टाटा नेक्सॉन क्रिएटिव प्लस एस डार्क एडिशन डीजल इंजन के साथ में। अगर इसके ऑन रोड प्राइस की अगर हम बात करें तो बालाघाट सिटी मध्य प्रदेश में सुनील ऑटोमोटिव में इसका जो ऑन रोड प्राइस होने वाला है भाई लगभग 16,70,000 के अप्रोक्स इसका ऑन रोड प्राइस होने वाला है। और ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सुनील ऑटोमोटिव बालाघाट की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी, जिससे आप सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देख के लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।